और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, ये नागौर जिले की धरती इस पूरे क्षेत्र में जिस करवट आप लोग बैठते हो उस करवट सत्ता जाती है, इसलिए आपके हाथ में राजस्थान का भविष्य है। 5 साल तक राजस्थान में क्या हालात होंगे, किस दिशा में प्रदेश चलेगा, ये जिम्मेदारी आप लोगों के हाथों में है। 5 साल पहले मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, हम लोग विपक्ष में थे और लंबा संघर्ष कर हमने वसुंधरा जी की सरकार को हराने का काम किया। वो इसलिए संभव हो सका कि परबतसर के लोगों ने हाथ के निशान पर और कांग्रेस पार्टी को वो अपना वोट दिया था। उस वक्त रामनिवास जी को कांग्रेस पार्टी और हम सब लोगों ने पहली बार मौका दिया। ये सीट कांग्रेस कई बार हार चुकी थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने 2018 में एक ऐसा नौजवान बीज आपके यहां पैदा किया जो आज मजबूत विधायक बनकर आपके सामने खड़ा है। इस नौजवान को ना सिर्फ आपका वोट चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए और 5 साल तक बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के आपके क्षेत्र में विकास के काम इन्होंने कराए, मैं इस बात का गवाह हूं। हर विभाग को, हर मंत्री को उन्होंने यहां पर अपने क्षेत्र में विकास के लिए खींचा और मुझे कहने में खुशी है कि पर्वतसर में छोटा बड़ा सब तरह का विकास आपके बीच में हुआ है। आज 5 साल का कार्यकाल आपके बीच में है, बाकी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं आपके बीच में, आपको आकलन करना है कौन वो साथी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए और कौन वो साथी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इनको हराने के लिए। मैं सबको जानता हूं, मैं पर्वतसर के तमाम नेताओं को जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी जानता हूं, जो चुनाव लड़वा रहे हैं उनको भी जानता हूं और जो चुनाव लड़ नहीं रहे लेकिन बाहर से बैठे बैठे हाथ मल रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कैसे हम रामनिवास जी की 1000, 2000, 1200, 1500 वोट कम कर सकें। लेकिन साथियों, खासकर मैं नौजवान दोस्तों को बोलकर जा रहा हूं, ये चुनाव रामनिवास का नहीं है, ये चुनाव आप लोगों का है, नौजवानों का है। और मैं व्यक्तिगत रूप से आज चुनाव प्रचार का हमने आरंभ किया है। मैं 2 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में था, टोंक में नामांकन मैंने भरा 2 दिन पहले। आज चुनावी अभियान की मेरी पहली सभा है और मैं आप लोगों से वादा चाहता हूं कि पिछली बार से ज्यादा वोट देकर आपको रामनिवास को जिताना है। ये नौजवान लोग, पढ़े लिखे हमारे साथी, मैं रामनिवास जी को जानता हूं कई सालों से और जब ये अभी इनकी उम्र, मेरे ख्याल रामनिवास जी उम्र कितनी आपकी, अभी 31 साल का है, आज से 10 साल पहले ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था जयपुर में, इन्होंने मुझसे टिकट मांगा छात्र संघ के चुनाव के लिए, हम टिकट नहीं दे पाए, कोई और चुनाव लड़ा, हार जीत हो गई, लेकिन किस्मत है आप लोगों का सानिध्य और प्यार है, जिस व्यक्ति को हम लोग छात्र संघ का एनएसयू का टिकट नहीं दे पाए थे उसको आपके आशीर्वाद से एमएलए का टिकट मिला और वो एमएलए बना है। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, वीर तेजा जी के पूजने वाले बहुत लोग हैं, उनको ढोक देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनके नाम पर अगर सबसे बड़ा निर्माण कोई करा रहा है तो रामनिवास जी करवा रहे हैं। इसलिए 36 कौम के लोग, और ये जाति बिरादरी भूल जाओ, ये सब आंकड़े कागज पर हैं, अपने अंतरात्मा से पूछो कौन वो पढ़ा लिखा साफ छवि का नौजवान हमारा उम्मीदवार है जो हमारे भविष्य की चिंता करेगा, कौन यहां से विधायक बनकर हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहा, इस बात का आकलन करना पड़ेगा। और भाजपा के हमारे साथी, अरे 5 साल तक आप गायब रहे, घरों में बैठे रहे, अब जब चुनाव आ गया तो रथ पे चढ़ के यात्रा निकाल रहे हो, जन आक्रोश यात्रा, उस यात्रा में ना तो जनता है ना आक्रोश है, बस नेता का भाषण है। इसलिए आप सब समझते हो, और एक बात और सुनो, आने वाला भविष्य नौजवानों का है, ये नौजवानों का देश है, इसलिए कृपा करके माताओं मैंने से कहना चाहता हूं, 36 कौम के लोग अपना आशीर्वाद दो, रामनिवास जी को पहले से ज्यादा बहुमत देकर जिताओ और चुनाव के समय ये बहुत सारी पार्टी आती चुनाव लड़ने के लिए, वो तो गिनती भी नहीं आ रही है, छोटी बड़ी अच्छी बुरी सब पार्टी चुनाव लड़ रही है, सब भाषण देने आ रहे हैं,
लेकिन 5 साल कोई दुख दर्द में शामिल होने नहीं आए। 5 साल आपके बीच में कोई रहा तो राम निवास गवड़िया आपके बीच में रहे। इसलिए ये मेरी पहली चुनावी सभा है और मैं चाहता हूं कि यहां पर राजस्थान में सबसे ज्यादा बहुमत से कोई जीते तो मेरा छोटा भाई रामनिवास गावड़े जीत कर जाए। तो अब चुनाव आपके हाथ में है, 25 तारीख को मतदान होगा। इस बीच बहुत से नेता आएंगे, बहुत से भाषण होंगे, बहुत कोई आपको बरगलाएगा, बहकाएगा, लालच, धमकी, धोखा सब चलेगा राजनीति में। लेकिन आपको इस बात को याद रखना है, अगर आप मजबूती चाहते हो, नौजवानों का भविष्य हमें अच्छा बनाना है, राजस्थान को प्रगति के रास्ते पर ले जाना है, तो कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है और राम निवास जी को विधानसभा में मेरे साथ दोबारा भेजो, हम दोनों मिलकर आपका विकास का काम कराएंगे। अब मैं आगे जा रहा हूं, लाडनू में मेरी सभा है, लेकिन जाने से पहले मुझे इस बात का विश्वास दिला दो कि मैं शायद यहां दोबारा आ पाऊं नहीं आ पाऊं, लेकिन आप सब लोग सचिन पायलट बनकर राम निवास का काम करोगे, हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दे दो, आप सब जिताकर भेजो मेरी शुभकामनाएं। और जीतने के बाद राम निवास जी ने किसानों के हित में जो काले कानून बने थे उसका विरोध करने के लिए किसान सम्मेलन किया था। चुनाव जीतने के बाद एक बार दोबारा आपके बीच में आएंगे आपका आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।